नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि आगे जाके किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला कल का मार्च वायदा 3081 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है आधे फीसदी की बढ़त के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला कल अभी भी एक सुस्ती के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। कहां पे हमने 3400 का लेवल देखा था और अब देख रहे हैं कि अब 3000 के लेवल पर ही स्टक हो गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला कल यहां से इस लेवल पर बाहर निकल पाएगा, क्या एक ब्रेकआउट देखने को मिल पाएगा? देखिए, फिलहाल ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से कॉटन में दबाव बनता दिखाई दे रहा है, बिनौला खल में भी अब यहाँ पर दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो यूं कहे कि जो पीक था वो निकल चुका है। अब यहाँ से बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई देंगे। लंबी तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नीचे में 3000 तो ऊपर में 3200, मैक्सिमम अपसाइड 3200 तक का हो सकता है कि बने, और नीचे में 2900, अगर 3000 लुढ़कता है तो 2900 तक भी नीचे लुढ़क सकता है। तो यानी कि एक सीमित दायरा है, फिलहाल 3000 से 3200 की रेंज में बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल डिमांड निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इस कमोडिटी में फिलहाल दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रूपा जी, बात करें यहां से अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड का मार्च वायदा देख रहे हैं 7300 के ऊपर है। रूपा जी, कल को ही हमने कैसे सीड में 7300 के लेवल्स लगते हुए देख लिए थे, अब आपको क्या लगता है, क्या यहां से कैसे सीड 7500 के भी पार जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कैस्टर में तेजी बनी रह सकती है। कैस्टर में अब एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड निकली है, जिसकी वजह से लगातार मार्केट तेजी की तरफ है और 7500 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि एक निचले स्तर से थोड़ी सी बाइंग निकल के सामने आई है, बाइंग इनिशिएट हुई है। हालांकि लेवल्स अभी भी पहले वाले नहीं है, लेकिन ज्यादा गिरे भी नहीं है, थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली है मसालों के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में अभी ऐसी एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी, अभी ऐसा माहौल बना रहेगा उठापटक वाला? देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो मसालों में तेजी का ही रुझान है, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए जरूर देखी थी और मुझे लगता है कि आगे चलकर मसालों में ही तेजी बनती दिखाई दे सकती है। फिलहाल अगर सभी एग्री कमोडिटीज की बात करें तो इनमें मसाले आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी जो करेक्शन है, इस करेक्शन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। वो धनिया, जीरा, आप देखिए जीरा जो कल 21000 के नीचे था, आज फिर 21200 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मुझे जीरा काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ से जीरा 22000 तक ऊपर जा सकता है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी सपोर्ट ले सकती है, 9200 नीचे में लेवल है, 9200 के आसपास बाइंग इनिशिएट हो सकती है और ऊपर में वापस से 10500 10800 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में मसालों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहां से अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि ग्वार में ऊपरी स्तर बन नहीं पा रहा है और ज्यादा नीचे ग्वार जा नहीं पा रहा है, एक देख रहे हैं कि सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है, हल्की फुल्की रिकवरी बन जाती है फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो ऐसे में अब क्या ग्वार में फिर से अपसाइड मोमेंटम्स बनेंगे या फिर यहाँ पे ही सिमट के रह जाएगा? देखिए, ग्वार में अभी रेंज बाउंड है, ग्वार भी अभी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और लेकिन यहाँ से सपोर्ट आ सकता है ग्वार के अंदर और तेजी बन सकती है, तो मुझे लगता है कि ग्वार में भी बाइंग में रहा जा सकता है। ग्वार सीड जो है ऊपर में 6200 से 6300 का स्तर छू सकता है, जबकि गम जो है 11800 से 12000 तक ऊपर जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर अब एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल में देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ दोनों ही लगातार तेजी की ओर हैं। रिफाइंड सोया तेल देख रहे हैं 1560 1580 इसी लेवल पर देखने को मिल रहा है, और जो सीपीओ है वो भी लगातार तेजी की ओर है। इंडोनेशिया और मलेशिया में जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई है और भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रहा है। रशिया यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी तेल का जो इम्पोर्ट होना था वो खाद्य तेल पोर्टों पर फंसा हुआ है, और उधर देख रहे हैं कि सोयाबीन तेजी की ओर निकल पड़ी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ओवरऑल सोयाबीन तिलहन और बाकी खाद्य तेलों में अब रुझान कैसा रहने वाला है? देखिए, अभी जो खाद्य तेलों में रुझान फिलहाल पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि
पाम, सभी खाद्य तेलों में पाम में सबसे ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई दी है। और ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसका सीधा इफेक्ट जो है वो सनफ्लावर की सप्लाई पर आता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि सूरजमुखी के तेल की सप्लाई थमी है, और जिसके चलते जो पाम तेल की डिमांड है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। तो इस वजह से जो रुख किया गया है खरीदारों का, वो पाम तेल की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आगे भी पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बनी रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर पाम तेल की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। और यूक्रेन संकट के कारण काफी जगह पर बोट बंद है, जिसके चलते शिपमेंट नहीं हो पा रही है, सप्लाई नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आगे चलकर बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। और जहां तक सोयाबीन की बात है, अर्जेंटीना और ब्राजील में काफी सूखा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इफेक्टेड हुआ है, और इसका फायदा भी सोयाबीन की कीमतों को तो मिलता है, दिखाई दे ही रहा है, साथ में पाम ऑयल को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी पाम ऑयल काफी सपोर्टिव हो चुका है, चारों तरफ से फंडामेंटल काफी उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि पाम में तेजी बनी रह सकती है, पाम में अब खरीदारी करके चला जा सकता है, और एडिबल ऑयल पैक अब तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है रिफाइंड सोया, पाम ऑयल और सोयाबीन, ये तीन एडिबल ऑयल ऐसे हो सकते हैं जो आगे तेजी में जा सकते हैं। सरसों थोड़ा सा सुस्त रह सकता है, लेकिन उसमें भी सस्टेनेबल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, सरसों में देख रहे हैं कि आवकों का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी किसी मंडी में जो सरसों है वो एमएसपी से भी नीचे आ गई है, लेकिन फंडामेंटल्स तो देख रहे हैं कि मजबूती की ओर जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो वहां के जानकार हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनका ये मानना है कि रशिया यूक्रेन से जो खाद्य तेलों का आयात होना था, अब उसको छोड़कर जो बाकी व्यापारी हैं और जो कारोबारी हैं, अब वो विकल्पों पर जा रहे हैं, और विकल्प के तौर पर जैसे रिफाइंड पाम हो गया और सरसों हो गया, इनकी ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आवकों का प्रेशर जब थोड़ा ठंडा होता है, तो क्या फिर सरसों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? सपोर्ट आता हुआ बिल्कुल दिखाई दे सकता है। अभी जो सरसों है वो अपनी जो इसकी अराइवल्स है उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि किसी भी कमोडिटी के जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमतों के ऊपर एक दबाव आना तय है। लेकिन जिस तरीके से अभी सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी सपोर्ट आता हुआ आगे चलकर सरसों की कीमतों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी खाद्य तेल अभी फिलहाल तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये रशिया और यूक्रेन के संकट के बाद तो और ज्यादा तेजी गहरा गई है। तो मुझे लगता है कि अगर सप्लाई इसी तरीके से डिस्टर्ब रहती है और अगर इस तरीके अनसर्टेनिटी और बढ़ती जाएगी, तो आने वाले दिनों में एग्री कमोडिटीज के अंदर सबसे ज्यादा असर जो है वो तेलों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और तेलों की कीमतों में उछाल दर्ज किया जाएगा। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल वीट को लेकर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के चलते जो वीट का जो एक्सपोर्ट होता है रशिया यूक्रेन से, वो प्रभावित हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और ऐसा भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसकी वजह से जो भारतीय गेहूं है उसका निर्यात बढ़ सकता है। भारत पहले ही बड़े पैमाने पर गेहूं की पैदावार करता है, घरेलू खपत भी ठीक ठाक है, घरेलू खपत के लिए जो आपूर्ति होनी चाहिए, जो सप्लाई होनी चाहिए, वो भारत उसकी पूर्ति करता है, एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक करता है। तो ऐसे में अगर वीट की एक्सपोर्ट की डिमांड निकलती है इंडिया में, तो उसका असर घरेलू गेहूं की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल इसका इम्पैक्ट गेहूं के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि हम शिपमेंट इफेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये रशिया और यूक्रेन के संकट के चलते आगे यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो वीट की बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर डिमांड निकल कर आती है, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ते हैं, तो कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। करंट लेवल से कीमतों में 10-15% का उछाल हाल फिलहाल में हो सकता है कि देखने को मिले। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं बहुत सारे, जिनका सवाल लगातार MCX कॉटन को लेकर आ रहा है। सब जानना चाह रहे हैं कि क्या MCX कॉटन में अभी जो निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या यहां से MCX कॉटन एक बार फिर से 39,000 के लेवल्स या फिर उससे भी ऊपर के दिखा सकती है क्या? देखिए अभी थोड़ा सा बाजार सुस्ती की तरफ है, अभी मुझे लगता है कि सस्टेनेबल रहेगा यहाँ पर, अभी फिलहाल तेजी थमती हुई दिखाई दे रही है। देखिए खबरें अभी भी निकल कर आ रही है कि काफी जगह पर क्रॉप डैमेज है हुई है, और तकरीबन जो कीटनाशक जो कीड़े हैं उनका प्रभाव काफी पड़ता हुआ दिखाई दिया है क्रॉप के ऊपर, लेकिन जो अब तेजी आनी थी वो आ चुकी, अब उतनी ज्यादा तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजार यहाँ पर सस्टेन होता दिखाई देगा, गिरेगा नहीं, लेकिन बाजारों में तेजी भी यहाँ पर बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही।
जी रूपा जी, दर्शक है जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार शुगर को लेकर आ रहा है, जानना चाह रहे हैं शुगर में कितनी तेजी आ सकती है। रूपा जी देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल पहले से ही रिकॉर्ड हाई पर है, लाइफ टाइम हाई पर है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि एथेनॉल का जो उत्पादन है अब सरकार उसे बढ़ा सकती है और उसके लिए चीनी की जो खपत है वो बढ़ सकती है, जिससे चीनी में उछाल आ सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं अभी? देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जो महाराष्ट्र शुगर मिल्स हैं वहां पर भी इस तरीके की कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है 2021-22 में, और जो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 12 लाख टन स्टेट वाइज जो है वो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो आगे चलकर अगर सप्लाई बढ़ती है तो डेफिनेटली कीमतों के अंदर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन कीमतें ऑलरेडी जो है जिस रेंज के बीच में अभी चलती दिखाई दे रही है। हमें अमूमन रिटेल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो 40 से लेकर 42 रुपए प्रति केजी का भाव देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो बाजार आगे चलकर जो है वो 45 से 48 रुपए के आसपास सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, खाद्य तेल को लेकर सवाल रहेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों की कीमतों में विदेशों में तेजी आ रही है, भारत खाद्य तेलों का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा भारत आयात के जरिए पूरा करता है, तो ऐसे में देख रहे हैं कि उस आयात में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी होती है वो पाम तेल की रहती है और पाम तेल इस समय इंडोनेशिया और मलेशिया में रिकॉर्ड हाई पर है। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम तेल की कीमतों में बढ़त कर दी है, उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसे में सरकार अब यहाँ पर खाद्य तेलों के ऊपर कुछ फैसला ले सकती है? देखिए, फिलहाल ऐसी अभी फिलहाल कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अभी जिस तरीके का सप्लाई के अंदर डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है उसके चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, और इंडिया जो है वो लगभग 240 लाख टन के आसपास जो है वो इंपोर्ट करता है, मतलब कंजम्पशन करता है, जिसमें से 90 लाख के आसपास का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जबकि 150 लाख टन के आसपास जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। तो बिल्कुल इंडिया जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है और काफी बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करता है, और अब जिस तरीके की डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है सप्लाई चेन के अंदर, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो सनफ्लावर ऑयल पर आता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा जो सप्लाई चेन है वो सनफ्लावर ऑयल की है, और इससे प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है जिसकी वजह से पाम की डिमांड बढ़ी और पाम के चलते अदर एडिबल ऑयल पैक की जो डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा और आगे चलकर कीमतों में और ज्यादा उछाल दर्ज किया जा सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं बिनौला खल में लॉन्ग टर्म के लिए कौन से लेवल पर बाइंग करना सही रहेगा? देखिए, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 3000 या 3000 के नीचे लुढ़के तो वहां पर बाइंग किया जा सकता है। इस लेवल पर बाइंग फिलहाल मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, छुटमुट बाइंग आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी अगर बाजार सस्टेन करता है तो 3200 तक ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम जो अपसाइड है वो 3200 लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा इसमें तेजी और फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रूपा जी, अगर बिनौला खल ऊपर में जाता है तो मैक्सिमम लेवल बिनौला खल में क्या देखने को मिल पाएगा, दर्शक का ये भी सवाल है। देखिए, 3200 तक अभी फिलहाल लग रहा है कि अगर तेजी में आया तो 3200 तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर लहसुन की, तो देख रहे हैं कि गर्मियों का आगमन तो धीरे धीरे शुरू हो चुका है लेकिन मंडियों में लगातार लहसुन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। लहसुन व्यापारियों का कहना है कि जब जब जैसे मार्च का महीना शुरू हो गया है तो तब इंडस्ट्रियल डिमांड उठती नजर आती थी, लेकिन इस बार लहसुन की जो कीमतें हैं उनमें तब भी नरमी देखने को मिल रही है, लहसुन की कीमतों में ज्यादा उछाल इस बार नहीं देखने को मिला है, आपका क्या राय रहेगी लहसुन के ऊपर? देखिए, लहसुन की जहां तक बात है कि लेश अच्छा खासा प्रोडक्शन है, इसीलिए अभी लहसुन के ऊपर जो कीमतें हैं वो सपोर्ट होती हुई नहीं दिखाई दी है, और अब अभी जो है ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है कि चाइनीज लहसुन की डिमांड जो है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस वजह से हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो काफी कम होती दिखाई दी है, और आगे फेस्टिवल सीजन के चलते में भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइनीज लहसुन का डिमांड पिकअप हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि लहसुन में कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट आता हुआ फिलहाल दिखाई देगा, प्राइसेस जो हैं वो सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें यहां से अगर आप प्याज की, तो प्याज देख रहे हैं कि रिटेल में तेजी की ओर है लेकिन किसानों से काफी सस्ते में खरीद लिया जा रहा है, बात करें महाराष्ट्र की अगर सबसे बड़ी मंडी की प्याज मंडी की जो कि हमारी लासलगांव मंडी है, वहां पर
प्याज की जो लागत है कम से कम 18 से 20 रुपए प्रति किलो की बैठती है किसानों की, और उनसे मंडियों में थोक भाव पर 15 से 16 रुपए किलो की दर से प्याज खरीद ली जा रही है। किसानों को तो दाम नहीं मिल रहा है उनकी लागत का भी, लेकिन रिटेल तक आते आते वही प्याज 35, 40, 42 इस प्रति किलो इस रेट पे मिल रही है। तो अब आपकी क्या राय रहेगी प्याज के ऊपर, प्याज किसानों को अभी क्या करना चाहिए, क्या होल्ड कर लें अभी प्याज को, क्योंकि जो लागत है वो तो नहीं मिल पा रही है और जो जमाखोर है वो ज्यादा कीमतों में बेच दे रहे हैं। देखिए अभी तो प्राइजेस की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो प्राइजेस तो है बहुत ज्यादा सस्टेन होते हुए ऊपरी स्तरों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन अच्छा खासा बताया जा रहा है और सप्लाई अगर अच्छी खासी रहती है तो मुझे लगता है कि कीमतें जो है वो सस्टेन करती हुई दिखाई देंगी निचले स्तरों पर। अभी फिलहाल जो है कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर बाजारों में देखिए अभी मार्केट जो है आगे चलकर हो सकता है 2-4 महीने बाद तेजी बने तो बने, लेकिन फिलहाल के लिए जो अराइवल्स हैं और जो जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिलहाल प्याज के अंदर तेजी नहीं है। जी रूपा जी, दर्शकों के सवाल सबसे ज्यादा अब सोयाबीन और सोयाबीन तेल को लेकर आ रहे हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन क्या अब 8000 के भी पार जा सकती है, क्या सोयाबीन 8500 के भी स्तर या उससे ज्यादा भी जा सकती है, और रिफाइंड सोया तेल जो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 1585 पर जा चुका है, तो क्या उसमें अब आगे और भी बढ़त देखने को मिल सकती है जिस हिसाब से देखने की क्राइसिस का माहौल है? देखिए इस क्राइसिस के माहौल की वजह से ही बाजारों में इतनी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी नजर इसी पर बनाए के रखनी होगी। अगर ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ते हैं तो डेफिनेटली प्राइसिस के ऊपर सपोर्ट आएगा और कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और अगर यहाँ से ईज ऑफ आता हुआ दिखाई दिया तो फिर कीमतें जो है वो लुढ़क भी सकती है। तो अभी फिलहाल सिनेरियो पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इस वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी अभी कंटिन्यूशन में रह सकती है जब तक ये स्थिति नहीं सॉल्व होती। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज के लिए जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है कृषि फसलों में? देखिए मुझे लगता है कि जीरे और धनिये में बाइंग करके चलना चाहिए, इन दो कमोडिटीज के अंदर आगे आने वाले दिनों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।